सो डियर चिल्ड्रन, आवर टूडेज चैप्टर इज वर्किंग विद बार डॉट, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर स्लाइड ऑर्गेनाइजेशन। बार डॉट कह रहे हैं आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, वर्ड आर्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स एंड फॉन्ट्स होते हैं जिनसे हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बना सकते हैं। सो द वर्ड आर्ट फीचर हेल्प्स यू टू क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट्स। यूजिंग द वर्ड आर्ट यू कैन मेक द टेक्स्ट कर्व्ड, बेबी शेडोड और अप्लाई 3D इफेक्ट्स एक्सेट्रा। आप उसको कर्व, बेबी शेडोड एंड 3D इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब हाउ टू इंसर्ट दैट, तो ऑन द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द बर्ड बटन। इस तरह से बर्ड बटन होता है, वर्ड आर्ट बटन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट ग्रुप में। द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ वर्ड आर्ट गैलरी ओपन्स अप ऑन द स्क्रीन एज शोन इन फिगर 7.7। 7.7 की तरह इसकी तरह फीचर से आपको जो भी वर्ड आर्ट चाहिए आप उसी पे को आप कर्सर को क्लिक करेंगे तो आपका वही वर्ड आर्ट आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो टाइप किप्स आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यू कैन टाइप एनीथिंग, जैसे आपने इसमें टाइप कर लिया है। और टेक्स्ट फील्ड ड्रॉप डाउन एरो इन द वर्ड स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरह से डिजाइन आ जाती है और आप जिस डिजाइन पर क्लिक करेंगे वही डिजाइन आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगी। देन क्लिक ऑन द टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन में एरो, फिर आप टेक्स्ट आउटलाइन ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करिए। चूज द डिजायर्ड आउटलाइन कलर इन फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट, डिस्प्ले लिस्ट से आप डिजायर्ड आउटलाइन कलर को सेलेक्ट कर लीजिए एंड दैट विल चेंज। नाउ क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो, फिर आप टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। पॉइंट टू द ग्लो ऑप्शन, ग्लो ऑप्शन क्लिक करिए एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द ग्लो वेरिएशंस सेक्शन। ग्लो वेरिएशन सेक्शन से आप सेलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से कि आपका किप्स जो है वो गोल्डन आउटसाइड में तैयार हो गया है। इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स से समटाइम्स यू मे वांट टू ऐड मोर टेक्स्ट देन द एरिया प्रोवाइडेड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट। द टेक्स्ट बॉक्स टूल प्रेजेंट ऑन द इंसर्ट टैब अलाउज यू टू मूव टू मोर ऐड मोर टेक्स्ट टू योर स्लाइड। अपने टेक्स्ट में और स्लाइड में और टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स टूल का यूज़ करना होता है। आ टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर वेयर यू कैन एंटर एंड मैनिपुलेट टेक्स्ट। एक ऐसा प्लेस होता है, बॉक्स होता है, जिसमें आप अपने टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं और उसको चेंजेज कर सकते हैं। तो यू कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स अलॉन्ग विद इट्स कंटेंट्स। आप इसके कंटेंट से टेक्स्ट बॉक्स को मूव कर सकते हैं एनी वेयर ऑन द स्लाइड, स्लाइड पर कहीं पर भी आप उसको मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड बटन इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन होम टैब। होम टैब में स्लाइड्स पर न्यू स्लाइड्स बटन पर आप क्लिक करेंगे। एंटर द एक्टिविटीज ऑफ द मंथ, उसको आपने टाइप कर दिया। क्लिक ऑन द क्लिक टू एड सब टाइटल प्लेस होल्डर इन द स्लाइड, स्लाइड में सब टाइटल प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे। जूडो कैंप चैंपियनशिप, क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल, चेस, इसको आपने यू हैव टू टाइप दैट। देन सेलेक्ट द बॉक्स टूल, फिर आप उसमें से बॉक्स टूल को क्लिक करिए, सेलेक्ट कर लीजिए। तो टेक्स्ट ग्रुप में जो होता है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को पकड़े, होल्ड डाउन मीन्स पकड़े रहिए, दबाए रहिए। वाइल ड्रैगिंग द माउस डायगोनली टू वर्ड्स द राइट एंड रिलीज द माउस बटन, और जहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स रखना है वहाँ पे आप उसको रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यू विल गेट अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द कर्सर इनसाइड इट, एंटर द टेक्स्ट जनवरी, और फिर आप उसमें अपने टेक्स्ट जनवरी को जैसे यह कि इसको आपने एंटर कर दिया। ध्यान देना है कि इफ़ द टेक्स्ट इज लॉन्ग इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट, मतलब सीधी ये बॉक्स आपको बताता है कि अगर आपका टेक्स्ट ज़्यादा लंबा है तो जितना आप टेक्स्ट टाइप करते जाएंगे ये बॉक्स अपने आप ही साइज को चेंज करता जाएगा। इट विल चेंज इट्स साइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर टेक्स्ट। नाउ इंसर्टिंग शेप्स, शेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। शेप्स इज अ ड्राइंग फीचर दैट हेल्प्स इन इंसर्टिंग डिफरेंट शेप्स लाइक स्टार्स, बैनर्स, फ्लो चार्ट्स, क्लाउड्स, कैलाउड्स एट्सेट्रा। डिफरेंट तरीके के शेप्स आप इसमें चेंज इंसर्ट कर सकते हैं, उनसे अपने स्लाइड शो को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। द इंसर्टेड शेप्स कैन आल्सो बी रिसाइज, रोटेटेड, फ्लिपवर्ड, फ्लिपॉर्ड एंड कलर्ड। आप इनसे जो चाहे कर सकते हैं, मीन्स यू कैन चेंज द शेप्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड द नीड। क्लिक ऑन द शेप्स बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। अ पॉपअप मेन्यू विल डिस्प्ले ऑप्शन लाइक लाइन, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, जिसके आपने यहाँ पे क्लिक किया है शेप्स पर, तो ये इतने सारे शेप्स आ रहे हैं, आपको जो भी शेप चाहिए आप उस शेप पर ही क्लिक कर देंगे और आपको शेप मिल जाएगा। पॉइंट टू द बेसिक शेप्स एंड मूव द पॉइंटर और टू सेलेक्ट स्माइली फेस एंड क्लिक ऑन इट। स्माइली फेस पे क्लिक करिए आपने और आपको स्माइली फेस मिल जाता है।
द पॉइंटर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लस साइन मिलेगा, प्लस साइन पर क्लिक करके आप उसके साइज को कॉर्नर से चेंज कर सकते हैं। नाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट इन ए शेप, आप शेप के अंदर राइटिंग कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। सेलेक्ट अ शेप, राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द एडिट टेक्स्ट बटन, शेप को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और एडिट पे ऑप्शन के क्लिक कर दीजिए। द इंसर्शन पॉइंट अपीयर्स इनसाइड द शेप एंड यू कैन टाइप द टेक्स्ट, और आप इंसर्शन बॉक्स के अंदर अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं और किसी भी शेप को रिमूव करने के लिए बस आपको क्लिक करिए और डिलीट की को प्रेस कर दीजिए। और रोटेटिंग अ पिक्चर शेप टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, इसको रोटेट कैसे करेंगे, मीन्स मूव कैसे करेंगे, लेफ्ट और राइट, अप और डाउन। तो क्लिक ऑन द पिक्चर शेप वर्ड आर्ट और टेक्स्ट बॉक्स दैट यू वांट टू रोटेट, जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए। ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द गेम ग्रीन मोड, फिर ग्रीन नॉट पर पॉइंटर ले आइए। द पॉइंटर चेंजेस टू ए रोटेशन हैंडल, एक रोटेशन हैंडल एक घुमा हुआ एरो बन जाता है। क्लिक ऑन द रोटेशन हैंडल, हैंडल को पे क्लिक करिए और आपका पॉइंटर आपका इस डैश बॉक्स सर्कल टाइप में बन जाएगा। आप माउस को जैसे ही मूव करेंगे लेफ्ट और राइट तो ये शेप आपका मूव होना शुरू हो जाएगा। टू रोटेट अ पिक्चर यूजिंग द प्री डिफाइंड ऑप्शन, प्री डिफाइंड मीन्स पहले से दिए गए ऑप्शन से किसी पिक्चर को हम कैसे रोटेट कैसे मूव कर सकते हैं। सेलेक्ट द शेप, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब, इन द अरेंज ग्रुप सेलेक्ट द रोटेट बटन, चूज द डिजायर्ड रोटेशन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, और वहाँ से आप जैसा चाहें वैसा शेप को चेंज करने का, रोटेट करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नोट प्री डिफाइंड रोटेशन पॉइंट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन द होम टैब, ये होम टैब पर भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए यू हैव टू गो टू होम टैब पे, वहाँ पर ड्राइंग ग्रुप होगा, ड्राइंग ग्रुप में अरेंज बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको रोटेशन ऑप्शन मिल जाएगा। रीसाइजिंग अ पिक्चर शेप टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, किसी पिक्चर शेप या टेक्स्ट को और रीसाइज कैसे करेंगे, तो रीसाइजिंग स्ट्रेचेस ऑन दैट, तो प्री डिफाइंड रोटेशन ऑप्शन जो होते हैं उनको हमें होम टैब पर मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, सेलेक्ट होम टैब, ड्राइंग ग्रुप, अरेंज बटन, रोटेशन बटन को यूज कर लेंगे, सारा सीरीज को आप पहुँच जाएंगे। नाउ रिसाइजिंग अ पिक्चर शेप टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए रिसाइजिंग स्ट्रेचेज और श्रिंक द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए क्या करेंगे, आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप कर जो इनक्रीज या डिक्रीज साइज को क्लिक कर लेंगे। ब्रिंग द पॉइंटर टू एनी ऑफ द एट साइजेस, ये देखिए इस पर आप देखिए यहाँ पर इसमें आपको 3, 3, 6 and 8 कॉर्नर्स दिए हैं, आप इनमें जिस पर क्लिक करेंगे उसको वहाँ पर अपने कर्सर को डबल हेडेड होने के बाद में उसको दबा के या एक्सटेंड करके इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका शेप बिल्कुल सेम रहे तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल की को और प्रेस कर लेंगे। तो कंट्रोल की और माउस की प्रेस करने से क्या होगा कि आपका शेप बिल्कुल सही रहेगा, लंबा या चौड़ा नहीं होगा। नाउ अप्लाइंग शेडो इफेक्ट्स, अब शेडो इफेक्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, तो इन एडिशन टू एडिंग टेक्सचर्स एंड कलर्स यू कैन अप्लाई शेडो इफेक्ट्स टू एनी शेप, आप किसी भी शेप को शेडो इफेक्ट लगा सकते हैं। इट विल मेक द शेप इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, और इससे हमारा शेप बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाता है। कैसे करेंगे, सेलेक्ट एनी शेप, क्लिक ऑन द शेप इफेक्ट बटन इन द ड्राइंग ग्रुप ऑन द होम टैब, सेलेक्ट शेडो ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, क्लिक ऑन द ऑफसेट सेंटर इन द आउटर सब ऑप्शन से, क्या ना शेप इफेक्ट बटन पे जाएंगे, ड्राइंग ऑप्शन पर जाएंगे, फिर वहाँ से शेडो पे क्लिक करेंगे और अपनी मनपसंद शेडो देखिए यहाँ से आ रहा है और आप अपनी मनपसंद शेडो को सेलेक्ट कर लीजिए, वैसी शेडो आपकी अप्लाई हो जाएगी। यूजिंग फॉर्मेट टैब यू कैन आल्सो अप्लाई शेडो इफेक्ट्स, आप जो है फॉर्मेट टैब का यूज़ करके शेडो इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब, शेप स्टाइल ग्रुप, शेप इफेक्ट बटन एंड देन शेडो बटन पर क्लिक कर लीजिए। So in this way our chapter is complete here. If you have any problem you can ask me anytime. Thank you, have a nice day.